हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस एम के टी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे मैंने कहा था कि चांसेस है कि स्टॉक मार्केट मंदी की ओर जा सकता है। हालांकि वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन ग्लोबली अराइज हो चुकी है उस पर कितनी जल्दी काबू पा सके। बट स्टिल जो रिक्वेस्ट आई थी एंड जैसे मैंने खुद भी कहा था कि ऐसे स्टॉक्स मैं आपके सामने रख दूंगा जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है फिर भी ये स्टॉक में जो गिरावट रहेगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। मैंने ये नहीं कहा कि ये स्टॉक भागेंगे, ऑब्वियसली। अब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट रहेगी, चाहे वो स्टॉक उसको लिंक करे या ना करे, प्रेशर तो होगा, तो बहुत सारे लोग एग्जिट करने में ही पसंदीदा दिखाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने जो चीज़ें आपके सामने रख दिए वो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हो या फिर ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो जिसका जो फटका रहेगा मंदी का वो कम लग सके, तो आप लोगों ने ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस इंडिया में ही है या फिर इंडियन जो पब्लिक है उसको टारगेट करती है, इंडियन पॉपुलेशन है उसको टारगेट करती है। सो हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें में ये कह रहे हो, अगर कोई कंपनी इंटरनेशनली काम करती है जिसका बेस यूरोप है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स क्यों यहाँ पे क्रैश हो रहा है, क्योंकि चाइना का उनका मेजर मार्केट है, वो अभी इफेक्ट ज़रूर होगा। सो इसीलिए टाटा मोटर्स नीचे जा रहा है, इनफैक्ट उनके नंबर्स खराब नहीं थे। सो ये ओवरऑली इस वीडियो में मैं आपके सामने जो शेयर्स रखने वाला हूँ वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को ऐसे शेयर बताता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर ये सिचुएशन और गहरी हो जाती है तो ये शेयर भी टूटेंगे, बट यस, ये शेयर ख़त्म नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर आप लोगों को ये शेयर निचले लेवल पे जितने भी मिलते हैं, जितना कुछ हो सके आप चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना, क्योंकि कभी ना कभी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब ये सारे स्टॉक आप लोगों को ओरिजिनल पोजीशन पे जाते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ किस स्टॉक से रिलेटेड मैं बात करूँ। एंड सबसे पहले अगर मैं शुरुआत यहाँ पे करूँगा तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एंड आज भी बताऊँगा, बजाज फाइनेंस। यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस का अगर हम लोग देखें तो एज सच जो चीज़ें हम लोगों को ग्लोबली देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड कोई भी लिंक नहीं है। प्रेशर की वजह से ये स्टॉक अभी भी नीचे आ रहा है, बट इतना नीचे नहीं आ रहा है जितना ये आना चाहिए था, क्योंकि ये भी स्टॉक अगर हम लोग देखते हैं ये तो हमेशा ओवर वैल्यू जोन में ही चलता है, क्योंकि फंडामेंटल्स इतने इसके स्ट्रॉन्ग है। मतलब 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो भी आप लोगों को हरा निशान देखने को मिलेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये सिर्फ गिरावट इसीलिए क्योंकि ग्लोबली मार्केट, आप सभी लोगों को बताया, डोज जैसे ही गिरा इंडियन मार्केट में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। 3 दिन हो गए अभी कंसिस्टेंटली गिरावट बाकी है, बट स्टिल इतना महंगा हो जाने के बावजूद जो इसमें गिरावट है बहुत ही मामूली सी है। तो कल अगर ये स्टॉक कितना भी गिर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जितना हो सकते माल उठा लेना, क्योंकि ये आप सभी लोगों को पता है ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। सो बजाज फाइनेंस NBFC सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, निफ्टी 50 में आने वाली कंपनी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप समझ सकते हो कि आप लोगों को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है जो कि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग। क्योंकि मैंने आपको कहा था जी, ये शेयर खरीदने के मौके ही यही होते हैं जब ऐसे कोई ना कोई ग्लोबली कोई चीज़ हो जाती है या फिर पूरे मार्केट में क्रैश होना शुरू हो जाता है, तभी हम लोगों को इन शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। बट स्टिल बजाज फाइनेंस अभी भी महंगा है, वो और नीचे आना चाहिए। 4,500 पे अगर आपको मिल जाता है, अगर मार्केट ज़ोरदार क्रैश होता है, 4,500 4,600 में भी अगर मिल जाता है आप अपना शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। सो ओवरऑल यही ज़रूर कहूँगा कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। सो बजाज फाइनेंस ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आज के दिन की बात करें तो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ भी है, गेट इंटरेस्ट अप टू द 8.35% विद द बजाज फाइनेंस FD। सो ये आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड अच्छा खासा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है, सिर्फ आधा घंटा हुआ है ये न्यूज़ आके। आज के दिन की बात करें तो बजाज फाइनेंस 26 फेब 35% की डिलीवरीज उठाई गई है, तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ अपने डिलीवरी भी यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल रही है। सो बजाज ग्रुप से ये जुड़ा हुआ फाइनेंस सेक्टर से ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, शानदार है, जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। कितना भी गिरे तो आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, तो उसको होल्ड भी रख सकते हो। उसी के साथ साथ बजाज फिनसर्व ऑल टाइम बेस्ट शेयर, आप सभी लोगों को पता है ये स्टॉक मेरा टारगेट था 10,000 तक कब आएगा। एनीवेज 10,000 तक ऑलमोस्ट आ चुका था, बट उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कुछ ना कुछ मार्केट में होता रहता है, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें जो कि मार्केट को ही नीचे लेके आई है, तो ये स्टॉक में भी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो जितना भी नीचे आ जाए ये स्टॉक, मैं खुद चाहता हूँ ये स्टॉक अगर 7,000 तक आ जाए, 5,000, जितना भी नीचे आ जाए मैं इसको खरीदते रहूँगा, क्योंकि ये कंपनी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को जरूर कमा के ये देगी। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है बजाज फिनसर्व, आप देख सकते हो फिलहाल 9,370 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है, 150 पॉइंट टूट चुका है विदाउट एनी इंटरनल इशू। सो मार्केट में जितना प्रेशर गहरा तो रहेगा उतना हम लोगों को ये अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स नीचे जाते हुए देखने को मिलने वाले, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो बजाज फिनसर्व के भी ऊपर आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, जितना नीचे जाए। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछते कितना नीचे जाएगा, अभी वो मैं भी नहीं बता सकता, जो मार्केट
जितना ग्लोबली ये चीज़ें बढ़ती रहेगी उतना मार्केट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, उतना वो स्टॉक उतना गहराता हुआ नीचे जा सकता है। सो आज के दिन अगर आप देखोगे तो 27% यहाँ पे डिलीवरीज उठाई गई है। बट एक बार ज़रूर कहूँगा, ये सारे स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब बजाज फाइनेंस के ऊपर वापस जाऊँगा, कि यही क्वेश्चन रहेगा ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी, ये गिरेगा तो कितना। कल अगर 1000 तक आया तो कोई गारंटी नहीं आने के लिए, क्या कोई भी कुछ भी हो सकता है। रिसेशन हुआ तो ऐसे ही हुआ था, बट एक गारंटी ज़रूर दूंगा दोस्तों, ये वही स्टॉक है जो 2008 के रिसेशन से भी झेल चुका है। मतलब ये सारे स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2008 के रिसेशन को फेस करके अच्छा खासा अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे। 2008 का रिसेशन अगर आप जाके देखोगे तो कितने कंपनियां, कितने नंबर्स ऑफ कंपनियां बर्बाद हो गई थी, बट जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे वो कंपनियां ज़रूर अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है, बाउंस बैक करती है, जिसमें बजाज फाइनेंस भी आता है, उसी के साथ साथ बजाज फिनसर्व भी आता है। सो सारी वही कंपनियां मैं आपको बता रहा हूँ। सो बजाज फिनसर्व के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो, जितना भी नीचे है आप यहाँ पे ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा रिस्क है फिलहाल, तो अब आप देख सकते हो बजाज ऑटो के ऊपर भी आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो। ऐसा वैसा स्टॉक नहीं भाई, निफ्टी 50 में आने वाला स्टॉक है। सो बजाज ग्रुप के तीनों स्टॉक, इनके ऊपर आप लोगों ज़रूर नज़र रख सकते हो। तो चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक, तो इसका तो नाम आना ही चाहिए, IRCTC। अगर ये गिरावट में मिल जाता है तो इसके ऊपर तो सभी लोग आने वाले हैं, बट स्टिल ये स्टॉक अभी भी अपने आप को मैनेज किया हुआ है, क्योंकि इसका माल बहुत ही मार्केट में कम है। बट स्टिल अगर हम लोग कहते हैं मार्केट ज़ोरदार गिरता है तो शायद से IRCTC में भी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो जितना निचले लेवल पर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है उतना आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ है, उसका कोई ग्लोबली इकोनॉमी में ऐसा एज सच हम लोग को चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाला है। टूरिज्म से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल जो मेन इसका रेवेन्यू होता है वो हमेशा टिकटिंग से होता है। सो IRCTC एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो, जितना नीचे मिले यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। आज सिर्फ 12% तक की डिलीवरीज उठाई गई है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, यस बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। इतनी गिरावट के बावजूद आज हम लोग को ये हरे निशान में देखने को मिल रहा है। हम लोगों का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2350 पे, मेरा तो एटलीस्ट, मैं तो खुद ये फॉलो कर रहा था, आपको कहा था अगर आप चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं वेट करूंगा, आप लोगों को ऑलरेडी क्या है 2250 तक वेट करूंगा, उसके बाद 2200 का वेट करूंगा, उसके बाद 2100 2000, जितना आप लोग यहाँ पे देखोगे निचले लेवल पे जितना ये स्टॉक मुझे मिलता है मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि इसका टारगेट भी इंडियन ऑडियंस है एंड इंडिया ही है। सो डेफिनेटली जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है डीमार्ट के ऊपर इसका असर बहुत ही कम रहेगा, एंड उसी का नतीजा आप यहाँ पे देख सकते हो, 13 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को डीमार्ट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। सो डीमार्ट अगर आप लोगों को मिलता है तो ये सबसे पहली बात रहेगी, अगर आप वहाँ पे जाके IRCTC एंड डीमार्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, 31% तक आज यहाँ पे डिलीवरीज उठाई गई है। सो ये सारे स्टॉक हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूनिलीवर हम लोग कह सकते हैं यस, बट ऑब्वियसली ये FMCG सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सो हम लोग ये भी कह सकते हैं इंडिया का एक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है, टॉप 5 में आने वाला स्टॉक है, FMCG का रैंक 1 शेयर है, डेट फ्री कंपनी है। सो ये भी स्टॉक हम लोग कह सकते हैं जिसका मैक्सिमम टारगेट इंडियन में, तो आप सभी लोगों को पता है कि कितने इनके स्टोर्स है एंड ऑल दैट, केस स्टडी आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। सो ये भी स्टॉक अगर आपको नीचे मिल जाता है 2019 तक आ जाता है, अगर ये मैटर बहुत ही लंबा हो जाता है तो, सो ज़रूर इस स्टॉक को भी आप खरीद सकते हो। 2008 के रिसेशन से ये भी स्टॉक जा चुका है, कंपनी कोई ख़राब नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती, प्रॉब्लम में ज़रूर आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेशक रहोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे दाम में मिलके फ़ायदा करा सकते हैं। सो देख सकते हैं आप जितना ये नीचे जाएगा 67% तक डिलीवरीज हो चुकी है। सो HUL के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़र ज़रूर जमानी है। तो HUL के बाद हम लोग अभी थोड़ा सा फटाफट कवर करेंगे HDFC बैंक। बहुत सारे लोगों के सरप्राइजिंगली मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे डाउट्स आ रहे थे, क्या HDFC बैंक से एग्जिट हो जाए? HDFC बैंक से एग्जिट हो रहे और प्रॉफिट हो रहा है तो चलिए एक बार में ठीक है मान जाऊंगा, बट कोई लॉस में HDFC बैंक का शेयर अगर बेच रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। इतना फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, बिलीव में दोस्तों इस स्टॉक में आप लोगों ने बने रहना, ये स्टॉक कितना भी नीचे है लॉन्ग टर्म में आपको ये कभी नुकसान नहीं दिला सकता। सो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों ने यहाँ पे HDFC बैंक को ज़रूर होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक अगर आपको नीचे मिलता है तो ज़रूर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की रैंक 1 बैंक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, 67% तक डिलीवरीज हम लोगों को HDFC बैंक में भी उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक, ये भी आप देख सकते हो इसमें भी गिरावट हो रही है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। ये सारे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है दोस्तों, वापस में रिपीट कर रहा हूं 2008 का रिसेशन, ये सारे स्टॉक उसको एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, तो ये खत्म नहीं होंगे, डेफिनेटली ये खड़े रहेंगे, कितना भी नीचे आ जाए या आप लोगों का इन्वेस्टमेंट खराब नहीं करेंगे। सो ICICI बैंक के ऊपर भी आप नज़र रखना, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। सारी चीज़ें अगर आप देखोगे जितना नीचे आएगा आज देख सकते हैं 56%, कल अगर ये 500 आ जाते तो शायद से ये परसेंटेज ऑफ डिलीवरी और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। सो HDFC बैंक,
आईसीआईसी बैंक, उसके बाद एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि एचडीएफसी एएमसी ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है, इसका भी टारगेट पूरा अगर हम लोग देखते हैं इंडिया मार्केट में ही यहाँ पे फैला हुआ है। सो एज सच ग्लोबली इसका कोई लिंक नहीं है। सो एचडीएफसी एएमसी के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर नज़र रखनी है, क्योंकि मार्केट अगर क्रैश होता है तो ये स्टॉक में भी बिकवाली ज़रूर होगी। एंड अगर ये स्टॉक आपको 3000 के लेवल पर मिल जाता है या फिर उससे नीचे मिल जाता है तो आपको लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है जितना नीचे मिले, क्योंकि कंपनी में इंटरनल इशू कोई भी नहीं है एंड विदाउट इंटरनल इशू आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स मिल जाएंगे। सो एचडीएफसी एएमसी के ऊपर भी आप ज़रूर नज़र रखना, 42% तक डिलीवरीज आज भी उठाई गई है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ पे चार्ट अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नाम बताना चाहता हूँ। एचडीएफसी जो एनबीएफसी है, एचडीएफसी की हम लोग यहाँ पे बात करें, 26 पॉइंट्स यहाँ पे टूट चुका है, 8% से 1% यहाँ पे करेक्ट हो चुका है उससे भी ज़्यादा। सो ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। आज आप देख सकते हो एचडीएफसी में जब गिरावट हुई 72%, आप देख लेना ये सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स है जो 2008 से गुजर के आ चुके हैं। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आपके पास एचडीएफसी है। सो बताना चाहता हूँ एनबीएफसी सेक्टर का रैंक वन शेयर है ये। सो बहुत ही अच्छा शेयर है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप लोगों ने इसको नहीं बेचना चाहिए, जितना नीचे मिले ऐड करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर टीसीएस। हालांकि टीसीएस हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है, 2000 से लेके हम लोग कह सकते हैं 2300 इस लेवल में ये सीसॉल टाइप खेलते ही रहता है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है। बट अच्छी बात है एक कंसोलिडेशन फेज में कंसिस्टेंटली रहना, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम एक बहुत ही अच्छी बात रहती है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं जब ये स्टॉक ऊपर भागेगा 2300 के ऊपर बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ भाग सकता है। एंड उसके बाद इसका 2100 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है। सो अच्छी बात है ये स्टॉक भी अगर आपको नीचे मिल जाता है 2000 के ऊपर या फिर उससे नीचे मिल जाता है तो डेफिनेटली टीसीएस जैसे शेयर को आप ज़रूर ऐड कर सकते हो, जो कि आईटी सेक्टर का रैंक वन है एंड स्टॉक मार्केट का रैंक टू कंपनी है। सो अगर टीसीएस की बात करें तो 59% तक हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री निफ्टी 50 का ही जुड़ा हुआ स्टॉक है, एफएमसीजी सेक्टर में आता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके भी मेजोरिटी हम लोग कह सकते हैं जो टारगेट ऑडियंस है इंडिया, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे भी हम लोगों को पॉजिटिव चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर इस चीज़ों से बहुत ही कम इफेक्ट होता है। एंड अगर टारगेट इंडियन कस्टमर से ज़्यादा रहे तो हम लोग कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट और भी कम रहता है। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री अगर क्रैश हो जाता है तो इस स्टॉक को भी आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। 42% तक की डिलीवरीज यहाँ पे उठाई गई है। सो दोस्तों आप देख सकते हो इतने सारे स्टॉक यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिए। एंड वापस कहना चाहता हूँ ये सारे स्टॉक 2008 का जो रिसेशन थे सारे, मतलब अभी कुछ कुछ IRCTC तो अभी आया, डीमार्ट अभी आया, HDFC AMC 2-3 साल पहले ही हम लोग कह सकते हैं तभी आए हुए। सो डेफिनेटली उनको आप पकड़ना मत, बट बाकी के अगर हम लोग मेजोरिटी ऑफ शेयर्स देखते 2008 के रिसेशन को झेल चुके हैं एंड वहाँ पे कंपनी ये ख़त्म नहीं हुई थी, तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का टैग लग चुका है। एंड इसीलिए वो स्टॉक हमेशा ओवर वैल्यू रहते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा महंगा प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। सो जितना ये स्टॉक अगर आपको कभी भी नीचे मिलते हैं तो हो सके तो आप बाइंग करते चले जाना, बाइंग करते चले जाना। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बाइंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करोगे तो डेफिनेटली जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तो ये स्टॉक ज़रूर रिकवर कर जाएंगे। एंड सबसे पहले यही रिकवर करेंगे क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडेक्स से जुड़े हुए स्टॉक है। सो जिस तरीके से ये गिरते हैं उतना ही डबल स्पीड से ये आप लोगों को रिकवर भी होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो ये सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं अगर आपके ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैक्सिमम ये सारे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं तो मैं तो इसको होल्ड ही रखने वाला हूँ, जितना नीचे मिले या तो मैं एक्युमुलेट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं तो कोई एग्जिट इस स्टॉक में से नहीं लेने वाला, बहुत ही शानदार स्टॉक है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों ये वीडियो तो यहाँ पे मैंने बना लिया, अभी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है बट जो चीज़ें बाहर चल रही है अगर वो बढ़ जाती है तो वो उन फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। सो ज़रूर उस वीडियो को मैं बना दूंगा एंड आपके सामने रख दूंगा आज ही 10 बजे के आसपास, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना कि कौन से शेयर आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे दे सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूंगा, आई होप आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।